नमस्कार दोस्तों, कथा मंच में आपका स्वागत है। कथा मंच में मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ ईश्वर के प्रेम से परिपूर्ण एक भक्त की कहानी। कथा शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया कथा को पूरा सुने, अंत तक सुने, पसंद आने पर लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। एक समय की बात है, एक राजा ने अपनी राजधानी में भगवान श्री कृष्ण का एक भव्य मंदिर बनवाया। राजा ने मंदिर की देखभाल और नित्य पूजा पाठ हेतु एक पुजारी को नियुक्त कर दिया। पुजारी प्रतिदिन मंदिर में पूजा पाठ करता और मंदिर का सारा प्रबंध भी देखता। राजा नित्य ही भगवान के दर्शन हेतु मंदिर आते, लेकिन आने के पहले अपने सेवक के हाथों पूजन सामग्री, प्रसाद और फूलमाला भिजवा देते। सेवक के मंदिर पहुंचने के कुछ समय बाद राजा स्वयं मंदिर में भगवान के दर्शन हेतु आते थे। राजा सेवक के हाथों जो प्रसाद, फूलमाला आदि पहुंचाते थे, उसी से पुजारी भगवान की पूजा कर फूलमाला भगवान को पहना देते। जब राजा आते तब पुजारी वही प्रसाद और फूलमाला भगवान की मूर्ति से निकाल कर राजा को पहना देते। राजा, पुजारी और सेवक का यह नित्य का कार्य था। इस प्रकार वर्षों बीत गए, राजा और पुजारी भी वृद्धावस्था में पहुंच गए। इस दौरान फूलमाला और पूजन सामग्री पहुंचाने वाला एक सेवक भी चल बसा। अब यही कार्य पहले काम करने वाले सेवक का युवा पुत्र कर रहा था। रोज की तरह एक दिन राजा का सेवक पूजन सामग्री, प्रसाद, फूलमाला आदि लेकर आया और पुजारी को कहा कि आज राजा साहब दर्शन हेतु नहीं आएंगे। ऐसा कहकर वह चला गया। पूजा अर्चना कर पुजारी सोचने लगा कि पूजा करते करते पूरा जीवन ही बीतने को है, लेकिन कभी प्रभु श्री की उतरी हुई माला पहनने का सौभाग्य प्राप्त ना हुआ। आज किसी कारणवश राजा जी नहीं आ रहे हैं, तो क्यों ना माला मैं ही पहन लूँ। ऐसा सोचते हुए पुजारी ने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति से माला निकालकर स्वयं पहन ली। माला पहनकर पुजारी ने भगवान को धन्यवाद देते हुए कहा कि जीवन में पहली बार आपकी माला पहनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब मृत्यु भी भर ले तो कोई संकोच नहीं, मैं धन्य हुआ। माला पहनकर पुजारी भगवान की भक्ति में सरावोर होकर उल्लासित हृदय से प्रभु वंदना करते हुए नृत्य करने लगा। तभी भक्ति में लीन पुजारी को सेवक की आवाज़ सुनाई दी कि महाराज पधार रहे हैं। पुजारी आसन्न संकट से भयभीत हो गया। उसने सोचा, माला तो मैंने पहन ली है, अब राजा को क्या पहना हुआ। फिर डर कर जल्दी से माला उतारी और रख दी। राजा ने दर्शन प्रसाद ग्रहण किया। पुजारी ने राजा को माला पहना दी, लेकिन राजा को माला में एक सफ़ेद बाल दिखाई दे गया। राजा ने पुजारी से पूछा, माला में सफ़ेद बाल कैसा है, क्या तुमने ये माला पहनी थी। पुजारी को कोई उत्तर नहीं सूझ रहा था। उसने भगवान की मूर्ति की ओर देखते हुए झूठ ही कहा कि महाराज, माला मैंने नहीं पहनी थी, भगवान के बाल ही सफ़ेद हो गए हैं, शायद यह भगवान का ही बाल होगा। राजा को और गुस्सा आ गया। राजा जानता था कि ये सफ़ेद बाल पुजारी का ही है। राजा मन ही मन सोचने लगा कि देखो पुजारी कितनी निर्लज्जता से झूठ बोल रहा है। राजा ने कहा, अगर तुम कहते हो कि यह सफ़ेद बाल भगवान का है, तो कल सुबह मेरे आने के बाद ही भगवान का श्रृंगार करना, मैं भी तो देखूं भगवान के सफ़ेद बाल। और भगवान के बाल अगर सफ़ेद ना हुए तो मैं तुम्हें प्राण दंड दूंगा। ऐसा हुक्म देकर राजा चला गया। इधर पुजारी को समझ नहीं आ रहा था कि तात्कालिक झूठ बोलकर बुरा फंस गया। उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे माफ़ करना, मुझे मृत्यु का तो भय नहीं है, किंतु झूठ बोलने का जो कलंक मैंने अपने माथे पर लगाया हूँ, मेरे जीवन की सारी भक्ति के पुण्य को मिट्टी में मिला दिया है। पुजारी ने भगवान से विनती करते हुए कहा कि प्रभु, अब सब कुछ आपके ही हाथों में है। और रोते रोते पुजारी वहीं श्री चरणों में सो गया। जब सुबह हुई, पुजारी डर रहा था। राजा आया और पुजारी को भगवान का श्रृंगार करने को कहा। पुजारी ने जब भगवान की मूर्ति के सिर से पगड़ी उतारी तो आश्चर्य का ठिकाना न रहा। भगवान के बाल सच में सफ़ेद हो गए थे। राजा ने सोचा, पुजारी ने दंड से बचने के लिए नकली बाल लगा दिए हैं,
जब राजा ने बाल पकड़कर खींचा तो कुछ बाल उखड़कर हाथ में आ गए। भगवान के आंखों से आंसू और माथे से खून निकलने लगा। यह देखकर राजा घबरा गया और भगवान के चरणों में लेटकर माफी मांगने लगा। उसी समय भगवान ने अपनी मोहक चमत्कारी आवाज में कहा कि हे राजन, तुम मेरे भक्त हो, इस बात से कोई संदेह नहीं, लेकिन यह पुजारी मेरा अनन्य भक्त है, मेरी पत्थर की मूर्ति को भी जीवित व्यक्ति से भी ज़्यादा प्रेम करता है, ज़्यादा पूजता है, उसकी सेवा करता है। इसके निस्वार्थ समर्पण और प्रेम की भावना ही मेरी पत्थर की मूर्ति में प्राण प्रतिस्थापित करती है, और जो मुझे निस्वार्थ प्रेम करता है, जो मेरी सेवा भक्ति करता है, मैं उसे कभी संकट में अकेला नहीं छोड़ता। मुझे पूजने वाला, प्रेम करने वाला यदि संकट के समय मुझे बुलाता है तो मैं जरूर आता हूँ उसका संकट हरने के लिए। ऐसा कहकर भगवान राजा और पुजारी को मूर्छित कर इस घटना की स्मृति उनके मस्तिष्क से मिटाकर अपने धाम को चले गए। तो मित्रों, ये थी आज की कथा। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें, और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना समय देने के लिए, कथा सुनने के लिए धन्यवाद।